वज़ीरे मुमलिकत के बयान पर शहरी चिराग्पा हो गए हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि रूस से तेल मिलने के बाद आवाम को सस्ता तेल फराहम किया जाए। का अजाब आया हुआ है, अब जब आ गया है वहाँ पर साहिल पर आ गया पेट्रोल, तो इनको चाहिए कि यार ये अब क्या नाम है, इनको देना चाहिए ईमानदारी के साथ। हुकूमत अगर ये देख चीज़ें नहीं कह रही तो इंशाल्लाह रोडों पे निकलेंगे आवाम। बस ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देखिए गवर्नमेंट को हम पे रहम आता है कि नहीं आता। अब इस आवाम के साथ ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या करेगी, नई गवर्नमेंट आ रही है। आवाम में एक दो हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा खुशी के लहर दौड़े थे, लेकिन अब जो हालत हम देख रहे हैं, लेकिन मायूसी बहुत ज़्यादा है। जो 100 रुपये उन्होंने ऐलान किया था पेट्रोल और डीजल पर, उन्होंने वो फैसला वापस लिया। मुसद्दिक अल मलक ने बयान दिया है कि रूस के तेल पहुँचने से हम मार्केट में मज़ीद तेल सस्ता के गुंजाइश नहीं रखते। ये तो आवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पहले से ही हम पेट्रोल जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा है। पेट्रोल की मसनूआत बढ़ने से जो है ना दीगर अशिया है वो सारे जो है ना बढ़ रहे हैं। पहले से ही पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान को छू रही है, और उसकी वजह से जो है ये जो अशिया है हमारे खुदनोश की वो सारे जाके आसमान से लग चुके हैं। हमारी वफाकी हुकूमत से को यही मुतालबा है कि हम जिस कीमत पर वो रूस से ख़रीद रहे हैं उसी कीमत पर आवाम को वही पेट्रोल फराहम करे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे कर सके। पहले ही ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह रूस से वेला पेट्रोल जो है सस्ता लें और यहाँ में फिर उसी महंगे रेट पे बेचें इस तरह, तो ये हुकूमत नहीं चली ना आवाम कोई रिलीफ मिलेगा। वो महंगाई अपनी जगह बरकरार रहेगी और आवाम इस तरह के हालात होने पर जो रोडों पर निकलने पर मजबूर होंगे।